कि ये श्रेष्ठ नगरी धार्मिक आध्यात्मिक नगरी, इस धार्मिक आध्यात्मिक नगरी में ये 56 भोग का स्थान जो मथुरादी जी के का स्थान है, आज इस स्थान पर जो हमारे आस्था का केंद्र है, वहां पर आज हमारे बीच में परम पूज्य संत प्रेम भूषण जी महाराज के मुख से हम राम कथा का श्रवण करेंगे। परम पूज्य प्रेम भूषण जी ने इस देश में नहीं, देश के बाहर भी राम कथा के माध्यम से, आध्यात्मिक और राम कथा के माध्यम से राम के संस्कृति, राम के विचार दर्शन, उनका आदर्श जीवन और जीवन जीने की राह बताने का काम परम पूज्य प्रेम भूषण जी महाराज ने किया है। प्रेम भूषण महाराज जी की राम के प्रति अटूट आस्था है, उनका सारा जीवन भगवान राम के चरणों में समर्पित है, और इसीलिए उनके मुख से जब निकलता है, उनकी वाणी से जो निकलता है, वह भगवान के राम के आध्यात्मिक के साथ साथ अटूट उनकी धार्मिक आस्था, विश्वास और प्रेम की वाणी निकलती है। और इसीलिए प्रेम भूषण महाराज की प्रेम की वाणी हम सबको जीवन के अंदर भगवान राम के दर्शन और भगवान राम की जब कथा सुनते हैं, तो किस तरीके से भगवान राम ने एक सामान्य जीवन जिया। भगवान राम अयोध्या के राजा थे, और अयोध्या के राजा थे तो बहुत सारे राज हुआ करते थे। अगर भगवान राम गरीब वंचित लोगों की सेवा करने का काम नहीं करते तो भगवान राम राम नहीं होते। भगवान राम ने के जीवन को देखो, उनको जब प्रभु तो प्रभु थे, प्रभु ने ही लीला रखी थी कि 14 वर्ष का वनवास, राम में जनता अयोध्या की जनता बहुत निराश दुखी मन में आंसू थे, लेकिन भगवान राम तो अंदर से प्रसन्नचित थे, क्योंकि उनको समाज के वंचित गरीब पीड़ित व्यक्तियों के जीवन का उद्धार करना था, जो राक्षस प्रवृत्ति से त्रस्त थे उनके जीवन को पुनरुद्धार करना था। और इसीलिए 14 वर्ष के वनवास को हम देखते हैं, तो किस तरीके से भगवान राम ने शबरी हो, केवट हो, गरीब हो, कितने लोगों के जीवन को पलटा, उनको समानता न्याय का और लड़ने का साहस दिया, और छोटी छोटी सेनाएं इकट्ठी कर एक बहुत बड़े राजा जिसके पास अस्त्र थे, शस्त्र थे, आध्यात्मिक शक्ति भी थी, धन का वैभव भी था, भगवान राम के पास तो आत्मबल था, नैतिकता थी, और वह आत्मबल नैतिकता से उन्होंने रावण का वध किया। इसलिए भगवान राम के जीवन में हम सबको अपने जीवन में नैतिकता, साहस, सत्य, अंतिम जीत उसी की होती है। अगर भगवान ने हमें कठिनाई दिए, चुनौती दिए, तो उसमें भी सही रास्ता निकलेगा,
और प्रेम भूषण जी महाराज बताएंगे कि किस तरीके से हर कठिनाई चुनौती आपदा में से ही अवसर के रास्ते निकलते हैं और कल्याण उसी में होता है जो आपदा से लड़े, संघर्ष से चले, चुनौतियों से लड़े, समाज के कल्याण में अपने जीवन को समर्पित कर दे। हम सब 9 दिन तक, अमित 7 दिन तक डॉक्टर अमिता बिरला अपर्णा अग्रवाल जी के सानिध्य में इस राम कथा का श्रवण करने का हमें भी सौभाग्य मिलेगा और यह भी प्रभु की कृपा होती है, उसी को श्रवण करने का मौका मिलता है। जिस पे प्रभु की कृपा नहीं होती उनको राम कथा भागवत कथा श्रवण करने का मौका मिलता ही नहीं है। इसलिए आप पर प्रभु की कृपा है और हम सब जब राम कथा सुनेंगे 7 दिन तक, तो मुझे आशा है हमारे जीवन में नैतिक भी आएगी, साहस भी आएगा, सत्य भी आएगा, कल्याण परोपकार भी आएगा और हम इस देश और राष्ट्र को नवनिर्माण में लगाने में अपना योगदान देंगे। पुनः परम पूज्य प्रेम भूषण जी महाराज इस कोटा की आध्यात्मिक धर्म की नगरी में पधारे हैं। महाराज जी यहाँ पर हर गली के अंदर, हर गांव के अंदर राम कथा भागवत कथा नानी बाई का मायरा होता है। ये धर्म की धरती, आध्यात्मिक की धरती है और इस धर्म और आध्यात्मिक की धरती पर आपकी राम कथा निश्चित रूप से हम सबके जीवन को परिवर्तन करने का काम करेगी, मार्गदर्शन करने का काम करेगी। पुनः मैं आपको सशस्त्र प्रणाम करता हूँ कि आपने कृपा की कि आपने अमिता बिरला और अपर्णा जी को समय दिया, जिसके कारण यह हम सबको सौभाग्य मिले। पुनः मैं महाराज जी के चरणों में सशस्त्र प्रणाम करता हूँ।